गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर करने वाले हैं और इसमें ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उससे आगे हम उसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजिशन प्रेजेंट पोजिशन मतलब क्या है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी प्रेजेंट पोजिशन में लेके आएंगे तो उसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट ये वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। जैसे समझते हैं, माना यहाँ पर है ना, ये कोई सिस्टम है Q1 और Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस कितना है बेटे, R। बोलेगा दिस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे या फिर जो उसका फॉर्मूला है हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमने डेफिनेशन दिया है। तो डेफिनेशन क्या बोला हमने, द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो हम Q2 को क्या ले जाएंगे, इन्फिनिटी ले जाएंगे, है ना, और इन्फिनिटी से इस पोजिशन पर लेके आएंगे। जैसे ये आगे Q1, Q2 को लेंगे बेटे यहाँ इन्फिनिटी, Q2 को लेंगे इन्फिनिटी। अब यहाँ से इस पोजिशन पर लेके आएंगे ये वाले पोजिशन। ठीक है, ये क्या है आपका Q1। ठीक, यहाँ से इस पोजिशन मतलब ये R है, ये वाला डिस्टेंस R है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, है ना, अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पोजिशन पे लेके आएंगे तो जितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बच्चों देखो, इस पोजिशन में जब हम लाएंगे तो क्या है, इसके और इसके बीच में जो Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा उधर को, क्योंकि पॉजिटिव पर, उधर को हम इधर को ला रहे हैं, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, उधर की ओर होगा ना। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ला रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स उधर की ओर होगा, हम इधर को ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी और इसके बीच में एक पॉइंट मान लेंगे, है ना, फॉर्मूला निकालने के लिए बेटे, ये इन्फिनिटी हो गया और ये R हो गया, है ना, ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, जो कितनी डिस्टेंस पे होगा Q1 से कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस पोजीशन पे माना Q2 है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से ले आएंगे तो हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी में कितना, यहाँ पर कितना वर्क है, यहाँ पर कितना वर्क है, या यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस ही पता नहीं है इन्फिनिटी वाले, तो हम क्या करेंगे, इस Q2 को x डिस्टेंस पर मान लेंगे, फिर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तब वहाँ पर हम लिमिट इन्फाइनाइट से R रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने मान लिया। अब क्या करेंगे बेटे, माना हम छोटा सा डिस्टेंस चले ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, माना ये वाला डिस्टेंस चले जो कितना है dx,
जो कि इतना है डी एक्स, ठीक हो गया। यहाँ से इतना चलने में कितना वर्क होगा वो निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का वर्क आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट में Q1 और Q2 पे कितना फोर्स लगेगा वो देखेंगे। तो कितना लगेगा बेटे, F इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटे x। तो Q1 और Q2 के बीच में यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा x, ठीक है। और ये F है ना, ये कहाँ की ओर लगेगा, उधर की ओर, हम इधर की ओर आ रहे हैं ना। तो कितना आए हम dx, इधर की ओर आए। तो dx डिस्टेंस आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पूरा वर्क डन आ जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मेरे को ये ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा इतने से डिस्टेंस आने पर वर्क क्या होगा बेटे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी एफ डी एक्स, ठीक है। क्या हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू है ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू देखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। अच्छा माइनस क्यों लिया, देखो फोर्स, ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है ना, कूलम्स लॉ से हमने ये फोर्स निकाला, ये फोर्स कहाँ की ओर, उधर की ओर, लेकिन डिस्टेंस क्या है, इधर की ओर आ रहे, फोर्स लग रहा है उधर की ओर। तो इस फोर्स और ये डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या होता है माइनस लगाते हैं, है ना, फोर्स को क्या बोलते हैं माइनस, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटे इंटीग्रेशन, या फिर पहले एक्स की वैल्यू रख देते हैं बराबर माइनस, एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरा वर्क निकालेंगे। तो पूरा वर्क कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस के क्यू वन, अच्छा के माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन, ये तो दोनों कॉमन है, सॉरी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा बेटे, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और डी एक्स बचा, एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या बचा डी एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर और डी एक्स बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट रखेंगे बच्चों। तो लिमिट क्या हो जाएगी, है ना, तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ देखेंगे लिमिट, देखो कहाँ से कहाँ आ रहे, पहले एक्स कितना कहाँ है, ये पूरा एक्स होगा नहीं होगा, है ना, मतलब x हम कहाँ से कहाँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन्फिनिटी से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी पर, यहाँ अगर पहले शुरू में यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं ना बेटे, यहाँ तक आ रहे हैं, है ना, तो ये वाले डिस्टेंस कितने हैं, ये तो r है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अच्छा फिर यहाँ पर आगे, यहाँ से यहाँ तक आना है हमको, है ना, क्योंकि हमें यहीं पर ये निकालना है इनके बीच के, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, r है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, r, तो जो x वेरी कर रहा है वो इन्फिनिटी से r वेरी कर रहा है, तो ये r आ गया, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो w हो जाएगा, ये k q q1 q2, ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन x, ठीक है, तो माइनस वन अपॉन x, ठीक, तो इन्फिनिटी से ये जाएगा r, ठीक हो गया, ये जाएगा। अब क्या होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं नीचे वाले को, ठीक है, इरेज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, w बराबर माइनस q1 q2, अपर लिमिट रखते हैं पहले, है ना, अच्छा माइनस से माइनस गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट x की जगह माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, वन अपॉइंट इन्फिनिटी कितना होता है बेटे, जीरो, ठीक है। तो W बराबर क्या आ गया फाइनली, है ना, W बराबर क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, आप U से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा शुरू में, R1 और R2 के बीच में, है ना, R डिस्टेंस थी, तो हमें पोटेंशियल निकालना था, क्या निकालना था, पोटेंशियल,
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है जब Q1 और Q2 के बीच में r डिस्टेंस हो। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये हो गया बेटे, ठीक है। तो इसके बाद